काम करते करते ना प्यास लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो चिया सीड डाल के ही पी लेती हूँ, कोई तो काम आए। वैसे तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, मेरे को ना आजकल चिया सीड खाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो मज़ा आता है खाने में। और इधर जो है देखो थोड़ा सा ही बचा है, अभी फिर से जाऊंगी तो लेके आऊंगी सितारगंज। मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे मिलता होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे एरिया में मिलता नहीं है, तो लाना चाहिए बहुत कुछ। पूछती हूँ तो मिलता नहीं है बहुत कुछ। और अब मैं बड़ा वाला पैकेट लेके आऊंगी, जिससे मेरा 1.5-2 महीना चल जाए, या तो एक हफ़्ता 10-12 दिन ही चलेगा। और देखो आज मौसम एकदम सुनहरा मौसम हो गया है, क्लाउडी मौसम। ये मौसम देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, काम में एनर्जी आ रही है। मैंने इधर ठाकुर जी के बर्तन सारे धो दिए हैं, और इधर कपड़े भी थे वो भी धो दिए हैं, कुछ बर्तन थे वो भी धो दिया है। बस अभी नहाना बाकी है, तो फटाफट से हम नहा लेंगे, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। और पूजा भी करना है, आज पहला बैसाखी है, तो माँ प्रियतम को अच्छा वाला ड्रेस पहना के उसके बाद हम मेले चलेंगे, क्योंकि उसको भी लेके जाऊंगी, भीड़ भड़ा के मैं लेके नहीं जाऊंगी। जैसे कि देखो होता है ना कि बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं लेके जाती इधर उधर, मैं कहीं नहीं लेके जाती हूँ। बस हाँ, हमारे यहाँ पे साल में जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वहीं पे ही मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। ठीक है, मैं हर कहीं मैं उसको लेके नहीं घूमती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कि मैं हर कहीं लेके घूमूं। कहीं पे भी मैं खाऊं तो, कुछ भी खाऊं तो उसे लेके बैठ के खाऊं, वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं गई ना, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं गई उसको लेके, प्रियतम को लेके, और मैंने कुछ ही नहीं खाया, ना मैंने खाया, ना मेरे पति ने खाया, ना माधव को कुछ खिलाया। हम लोगों ने चुपचाप गए और चुपचाप चले आए, उसको सिर्फ मंदिर घुमाया और थोड़ा बहुत मेला। मेले से मैंने उसको एक थोड़ा छोटा सा एक चूड़ी दिलाया, क्योंकि उसका फर्स्ट मेला है, तो फिर वही दिलाया। उसके बाद हम लोग घर चले आए, उसको मैं आँचल में छुपा के लेके गई थी, क्योंकि सब लोग नज़र लगा देंगे मेरे बच्चे को, तो नज़र लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखाती सबको। मैं आप लोग को बोलूँ, मतलब मैं अपने पर्सनली बोलूँ कि जैसे जिस किसी के भी घर पे बच्चा होना इस टाइप का, तो हर कहीं लेके ना घूमें, क्योंकि उनको ना नज़र लग जाता है, फिर ना फिर ख़राब हो जाता है सब कुछ। जैसे लोग जैसे करते हैं ना कि दिखाते हैं, इधर उधर लेके घूमते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी है, बच्चा है, छोटा है, सब लोग देखते हैं, नज़र लग जाती है, तो वैसा मुझे सही नहीं लगता। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, अब सबकी अलग अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, लोगों की अलग सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लेके घूमना नहीं चाहिए। इससे ना और भी पाप होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, या फिर हमें पीरियड्स वगैरह हो जाता है, हम कितनी गंदी चीज़ें दबाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमें ही पाप होता है। तो इसलिए मैं सोच समझ के ले जाती हूँ हर कहीं पर भी, कि जहाँ ले जाना सही है, हमें जहाँ उसको एडजस्टमेंट कर पाऊँ मैं। जैसे कि मैं वृंदावन गई थी, तो मैं उसको लेके नहीं गई थी, मुझे पता है मैं लेके जाती, लेकिन उसका जो सेवा है ना वो हो नहीं पाता। एक रूम में बाथरूम है, बाथरूम के अंदर मतलब होता है ना अजीब सा, जैसे रूम के अंदर ही बाथरूम होता है, तो उस टाइप का, तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं गई। उससे अच्छा मैं दीदी के पास ही छोड़ के गई थी, और दीदी ने काफ़ी अच्छा उसका सेवा लगाया, और प्रियतम जो है खुश भी था, खुश के चक्कर में बहुत सारा शॉपिंग भी किया। देखो कितने सारे गाड़ी हो गए ना माधव के, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लेके ना घूमें, इससे क्या होता है ना, गिरने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैं उसको कहीं लेके नहीं जाती। आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी के लिए बाय बाय।